बड़ी जानकारी आपको दे दें, चंडीगढ़ में चुनाव आयोग की बैठक चल रही है। प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं, उससे पहले चुनाव आयोग अपनी तैयारियों को पूरा कर रहा है। हरियाणा विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चंडीगढ़ में बैठक जारी है। चुनाव आयोग की बैठक चंडीगढ़ में चल रही है, सभी जिलों के डीसी और एसपी बैठक में मौजूद है। विधानसभा की तारीखों का जल्द ऐलान हो सकता है, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारी चल रही है चुनाव आयोग की। इसी कड़ी में चंडीगढ़ में बैठक चल रही है, सभी जिलों के डीसी और एसपी इस बैठक में मौजूद हैं। जल्द तारीखों का ऐलान हो सकता है, बड़ी जानकारी आपको दे दें। हो सकता है कि अक्टूबर महीने में ही विधानसभा चुनाव हो, सभी जिलों के डीसी इस बैठक में मौजूद है। अनिल कुमार हमारे साथ जुड़ गए, हमारे ब्यूरो चीफ है चंडीगढ़ के। अरे, चुनाव आयोग की बैठक चल रही है, क्या अपडेट निकल कर आ रहा है बैठक से? जी, आज चुनाव आयोग ने अधिकारियों की बैठक बुलाई है और इस बैठक में हैं सभी जिलों के एसपी डीसी बुलाए गए हैं। इसके साथ साथ चुनाव अधिकारियों को भी बुलाया गया है और वहीं जो है इस बैठक में मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और गृह सचिव को भी बुलाया गया है, ताकि विधानसभा जो चुनाव है वो निष्पक्ष और शांतिपूर्ण हो सके। और हरियाणा विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर आज बैठक बुलाई गई है। अच्छे, बिल्कुल, चुनावों की तैयारियों को लेकर बैठक बुलाई गई है, लेकिन सुबुगाहट क्या कहती है, कब तक चुनाव हो सकता है, कब तक चुनावों की तारीखों का ऐलान हो सकता है? जी, ये चुनाव आयोग क्या करेगा कि कब तक चुनाव हो सकता है, लेकिन आज मुख्यमंत्री की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तो उन्होंने भी यही कहा है कि चुनाव आयोग तय करेगा कि हरियाणा में कब आदर्श आचार संहिता लगेगी। और लेकिन मुख्यमंत्री ने कहा है कि अनुमान है कि 13, 14, 15 को किसी भी दिन जो है आदर्श आचार संहिता लग सकती है, लेकिन आखिरी फैसला चुनाव आयोग ने लेना है। चुनाव आयोग कब लगाता है ये देखना होगा।